रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उस रैली में आएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ पे भीड़ देखिए कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से अब इस प्रोग्राम में कुछ बदलाव हुआ है, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, उन लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से अब उनके मन में जो है। आप लोग बताइए, पीएम को यहाँ पे सुनिए, पीएम अब नहीं आ रहे, वर्चुअली जुड़ेंगे। हाँ जी, सुना हमने, थोड़ी निराशा हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, योगी जी हैं, उनको सुनेंगे, लेकिन वर्चुअली उनके व्यू जानने की कोशिश करेंगे। पीएम को आप लोग सुनने के लिए आई थी? हाँ, उन्हीं को सुनने के लिए आए थे, वो नहीं आ रहे, थोड़ी निराशा है इस चीज की। जाहिर तौर से बात है कि पीएम यहाँ पे अब नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली तौर पे इस रैली को संबोधित करेंगे, और यही कारण है कि अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन का वो इंतजार जरूर कर रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो उनको निराशा जरूर है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो पीएम के लिए ये पहली सभा लगाई गई थी, और भीड़ यहाँ पे देखिए कि कल जिस तरीके से 1000 लोगों के बीच के साथ तैयारियां की गई थी, लेकिन आज अगर बात करें तो यहाँ पे संख्या बढ़ाई गई थी, क्योंकि कल चुनाव आयोग ने देर से डिसीजन दिया था कि किसी भी मैदान के 30% भाग को भरा जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पे ज्यादा लोगों को लाया गया था। प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे, वर्चुअल जुड़ेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? कोई बात नहीं, हम थोड़े निराश हुए हैं, पर कोई बात नहीं, योगी जी आ गए, हम खुश हैं। योगी जी को सुनेंगे आप लोग? आप योगी जी को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। निराशा है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे। योगी जी आए हमारे लिए, वो भी बहुत है। योगी जी को आप लोग सुनेंगे? मोदी जी नहीं आ रहे? हाँ, बड़ा दुख हो रहा है, नहीं आ रहे। हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें वर्चुअल सुनेंगे, वो भी हमारे सौभाग्य की बात है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो तमाम सारे लोग आए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल संबोधित करेंगे इस जनसभा को, तो वर्चुअल ही उनको सुनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अगर बात करें तो यहाँ पे आ चुके हैं, मुख्यमंत्री को लोग सुनेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस वजह से बदलाव हुआ, कौशल में एक बार फिर से अपडेट कर दो अपने तमाम सारे दर्शकों को, प्रधानमंत्री को 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भर रही थी, और 11:30 बजे यहाँ पे उनको पहुंचना था, लेकिन 11 बजे तक बिजनौर की विजिबिलिटी जो थी वो काफी कम थी, एसपीजी ने यहाँ से क्लियरेंस नहीं भेजा था, लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय को जब 11:15 बजे क्लियरेंस भेजा गया तो प्रधानमंत्री के आगे एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा तैयार किए, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे फिजिकली आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि डिले हो चुका था, लेकिन वो यहाँ पे वर्चुअल तौर पे जुड़ के लोगों को संबोधित जरूर करेंगे। अविनाश, जिस तरह से अचानक से ये बदलाव हुआ है, जैसे फिजिकली पीएम मोदी को पहुंचना था लेकिन अब वर्चुअली ये रैली होगी, उसको लेकर अचानक से जो बदलाव हुआ है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, वो तैयारियां भी बताएं। मैं अब इसी क्रम में जी देखिए, कौशल अगर बात करें तो बीजेपी ने तैयारियां पहले ही कर रखी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के यहां से अगर बात करें तो कई सारे जिले में उनके भाषण का टेलीकास्ट होना था, और मुरादाबाद अमरोहा में भी कई जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई थी जहां पे प्रधानमंत्री का संबोधन इस बिजनौर के मैदान से होना था। लेकिन चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पे फिजिकली आने का रद्द हुआ, तो वर्चुअली अभी एक कार्यक्रम हो रहा है, कई जगह पे एलईडी स्क्रीन लगाई गई। इसी मैदान पे अगर बात करें तो 3 से 4 एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे संबोधित करेंगे तो इन एलईडी स्क्रीन पे उनके तमाम तरह जो दृश्य है वो दिखाई पड़ेंगे, और उनकी आवाज यहाँ से बकायदा सभी दर्शकों तक पहुंचेगी, सभी श्रोताओं तक पहुंचेगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी, और यहाँ पे मंच से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और वो भी प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो ये 3 जिलों में तैयारियां की गई थी इसके लिए, बिजनौर में, मुरादाबाद में और अमरोहा में, जहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री को आज अपने जो संबोधन है उसको पहुंचाना था, अपनी जो अपील है उसको पहुंचाना था, और उसी के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी थी, और बीजेपी ने यहाँ दोनों तरीके से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि बिजनौर के भी कई सारे इलाकों में एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी प्रधानमंत्री के यहाँ से भाषण को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, तो वो सारी तैयारियां हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जब तक प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित नहीं करते हैं लोगों को, तब तक आप बातचीत कीजिए, जरा बहुत काफी भीड़ वहां पर मौजूद है, कुछ युवा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं निराशा हुई होगी। जोश तो हमने देखा किस तरह से छात्राओं में जोश था, वो पहुंची थी पीएम मोदी को सुनने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल अगर बात करें तो तमाम सारे लोग यहां पे अभी भी मौजूद हैं, और यहां पे अगर बात करें तो इंतजार कर रहे थे पीएम के आने का, कुछ बच्चे भी आए थे, बच्चों से भी हम जानेंगे, क्योंकि ये लोग नारे भी गड़ रहे थे, नारे भी लगा रहे थे जो प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पे आगमन पे। आप लोग बताइए, पीएम नहीं आ रहे, वर्चुअली जुड़ेंगे, तो आप लोग सुबह से नारेबाजी कर रही थी, क्या कहेंगी आप? मैं
मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अब वो नहीं आ रहे थे। थोड़ा निराश हो? थोड़ा सा। ये और भी छोटे बच्चे कहाँ से आए हो आप? बिजनौर। किसको देखने आई थी आप? नरेंद्र मोदी। तो वो नहीं आ रहे हैं? आप लोग बताइए, आपके प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ पे वर्चुअली तौर पे जुड़ेंगे, तो आप लोग बच्चों को लेकर आए थे दिखाने के लिए, तो निराशा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो भाजपा के ही समर्थक हैं। भाजपा वाले इतनी जगह नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अगर बात करें तो दूसरी ओर भी हम चलेंगे और वहाँ पे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा के बाद। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे अब नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो वर्चुअली तौर पे जुड़ेंगे। आप लोगों ने पीएम अब आज नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आ रहे, वो वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। आप लोग आए थे उनको सुनने के लिए, निराशा है कुछ? नहीं, कुछ निराशा नहीं है। उनको वर्चुअली अब आप लोग सुनेंगे? उनको वर्चुअली अब आप लोग सुनेंगे? उनके भाषण को आप लोग किस तरीके से जन जन तक पहुँचाती है? हमें सेंटर में तो मोदी चाहिए, यूपी में योगी चाहिए, बस हमें तो दो चाहिए, बाकी कोई कुछ ही नहीं। हम तक तो जो यहाँ पे बोलेंगे उसको आप लोग अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में कैसे पहुँचाएंगे? तो टीवी पे जाएंगे हमारे, तो आप लोग भी अपनी ओर से बताओगे जाके? हाँ, हम भी बताएंगे, और हमारे यहाँ तो टीवी चल रहा लगातार, हमारे घर से फोन भी आ गया कि मोदी जी नहीं आ रहे। ये और भी इधर और लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग को निराशा हो रही है इस बात? कोई निराशा की बात नहीं है, कोई निराशा नहीं है। उनका अपना कुछ सिक्योरिटी का मसला होगा, नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी है, वैसे लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। जोश वैसे ही बरकरार रहेगा, 14 तारीख तक ऐसे ही जोश रहेगा हमारा। योगी मोदी उनके किस तरीके से पहुँचाएंगे आप लोग अपने गलियों में? वोट उनको देकर अपना संदेश पहुँचा देंगे हम। कहाँ से आए आप? बिजनौर से। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री तो नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं, हमारे लिए मोदी योगी सेम ही है। हमें तो वोट ही देना, बीजेपी को देना है, क्योंकि हम पहले से ही बीजेपी को वोट देते आए हैं और भारी मतों से 8 सीटें जाएंगे। अब योगी को वोट देंगे, आप लोग योगी जी को सुनेंगे? जी हाँ, योगी जी को सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे। अभी थोड़ी सी जो कमी रह गई है उसे भी पूरा हो जाएगा इस बार। इस बार कितनी सीटें बिजनौर में जीतेंगे? बिजनौर में 8 की 8 सीटें निकलेंगी इस बार बिजनौर की। बड़ा चमत्कार होगा, बड़ा चमत्कार होगा इस बार। इस बार लोग बहुत ज्यादा जोश में हैं। हमारे लिए योगी जी मोदी जी का प्रतिरूप हैं, वो ही प्रतिनिधित्व। योगी जी की क्या बातें आपको अच्छी लगती है, मोदी जी क्या अच्छी लगती है? सबसे बढ़िया बात है, एक तो भ्रष्टाचार मिटा दिया और सबको सुरक्षा दी है। सबको सुरक्षा, तो भगवान राम के स्वरूप है, हमारे बना दिया आप लोगों ने, नेता को बना दिया, उनमें हमें भगवान राम दिखाई देते हैं। काम अच्छा लगता है योगी जी? सारे काम अच्छे लगते हैं, बहन बेटी सुरक्षित है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग आज जेल में हैं या ऊपर हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, सम्मान के साथ जी रहे हैं। योगी जी हनुमान का स्वरूप है, हनुमान का स्वरूप है राम। आप लोग इंसान को देवता बना दे रहे हैं? इंसान देवता नहीं होंगे क्या? ये देवता है, देव स्वरूप अवतार है, इनका ओरा देखिए। किस तरीके से यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ के जो यहाँ पे समर्थक है, या कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है, किस तरीके से उनको यहाँ पे मान रहे हैं, उनकी जो तुलना है वो देवों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए देव समान। बिल्कुल अविनाश, ये क्रेज आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक तंज कैसा है, RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, जयंत चौधरी ने, और उसमें लिखा है कि बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। तो ये ट्वीट RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया है, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। अविनाश, इस तरह से तंज कसा गया है RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ओर से, तो जरा भाजपा का मौसम कहां खराब है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। जो कुर्सियां सुबह तक खाली थी उन कुर्सियों पर भी जरा फोकस कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको सभा की तस्वीरें ही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, क्योंकि कल तक बीजेपी 1000 व्यक्तियों के साथ ये रैली करने वाली थी, प्लानिंग की हुई थी, लेकिन कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने थोड़ा ढील दी उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ कुर्सियां बढ़ाई गई और तकरीबन 2 से 3 हजार कुर्सियां लगाई गई और 20,000 आदमियों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। पूरा जो कुर्सियों का जहाँ तक यहाँ पे लगी हुई थी वो पूरा मैदान भरा हुआ है और यहाँ पे महिलाएं पुरुष सभी बराबर की हिस्सेदारी से आए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी का ट्वीट है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको छतों की भी एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो छत पर है वहाँ पे भी तमाम तरह लोग उमड़े हुए हैं अपने घर से,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सुनना चाहते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे सुनना चाहते थे। हालांकि प्रधानमंत्री अब वर्चुअल तौर पे जुड़ रहे हैं, फिजिकली तौर पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। अब देखना है कि वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, लेकिन सुनने के लिए यहाँ पे तमाम सारे लोग आए हुए हैं। राजनीति है, राजनीति जोरों पे है, लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये बताएं, जयंत चौधरी ने कहा है कि बिजनौर का मौसम तो ठीक है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी का भी मौसम ठीक है और यहाँ पे सरकार अच्छी चली है, गुंडागर्दी पे काफी लगाम लगी है, इस सरकार में शासन काफी अच्छा रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार नाम है आपका, क्या नाम है? शिशु कुमार, हेमराज कॉलोनी, जिला बिजनौर। यहाँ पर जिस तरीके से अब राजनीति भी शुरू हो गई प्रधानमंत्री के नाने से, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मौसम खराब है बीजेपी के, इसलिए वो नहीं आ रहे। झूठ बोला है ये खुद का मौसम खराब है, खुद का मौसम खराब है और उनका कोई वजूद नहीं है। सपा और आरएलडी के वजूद लग रहा है आपको यहाँ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। जयंत चौधरी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? वो तो करते रहे, उनका तो काम है, दोनों ही फाइट में, दोनों ही फाइट में है, यहाँ से आरएलडी और उसका सपा का गठबंधन। आप फाइट पे बता रहे हैं तो फिर यहाँ पे आए हुए हैं मोदी को सुनने के लिए? हमारे अच्छे नेता है, उन्हें सुनने आए हैं, योगी जी अच्छे नेता है, उन्हें भी सुनने आए। फाइट तो है तो फाइट है ही, इस चीज को आप स्वीकार करते हैं कि फाइट है? फाइट है। और भी देखिए तमाम सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। जयंत चौधरी ने अभी एक बयान दिया है ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मौसम खराब है इसलिए प्रधानमंत्री बिजनौर नहीं आए। बीजेपी का मौसम खराब नहीं है, ये तो आप सभा में देख रहे होंगे, केवल 1000 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे और आप देखो कितने लोग आ गए बगैर कार्डों के भी। बीजेपी का अगर मौसम खराब होता तो इतने लोग नहीं आते बगैर बुलाए। बिजनौर का मौसम ठीक है? बिजनौर का मौसम, कैंडिडेट भी जो विधायक जी का पति का नाम भी मौसम है वो भी ठीक है और बीजेपी भी ठीक है। ये बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि जो यहाँ की विधायक है सुची मौसम चौधरी, उनके पति का भी नाम मौसम है, तो ये कह रहे मौसम ठीक है और बीजेपी का भी मौसम ठीक है। जयंत चौधरी के बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे। जयंत चौधरी ने अभी ट्वीट किया और कहा है कि बिजनौर का मौसम ठीक है। जयंत चौधरी ने कहा है बिजनौर का मौसम ठीक है लेकिन मौसम खराब है। भाई जी, एक टोटी चोर मुख्यमंत्री बन रहा है, दूसरा जेब चोर। शब्दों का सही इस्तेमाल करिए, वो मुख्यमंत्री रहे, किसी पार्टी के नेता है तो शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। जी जी जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। जयंत चौधरी ने कहा है कि बिजनौर का मौसम ठीक है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। जयंत चौधरी खुद पैसे लेकर टिकट दे रहा है यहाँ पर, इसलिए उसको ऐसी भाषा बोल रहा है, उसका बिल्कुल भविष्य अंधकार में है। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का अब संबोधन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री यहाँ पे जनता को संबोधित करने जा रहे हैं और लोगों के बीच में उत्साह है और उत्साह को आप साफ तौर पे महसूस कर सकते हैं कौशल। और अब मुख्यमंत्री के संबोधन पे हम आपको सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन हमारे जो दर्शक है उनको सुनाइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रैली है और तमाम तरह लोगों की जिस तरीके से जनसभा चल रही है हम सुनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री की जनसभा यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है जी। तो सीएम योगी अब संबोधित कर रहे हैं जनता को। ये तस्वीरें सीधी बिजनौर की जनसभा से, जहां पीएम मोदी को पहले पहुंचना था फिजिकली, लेकिन अब वर्चुअली वो संबोधित करेंगे और सीएम योगी मंच पर मौजूद हैं और अब वो यहां पर मौजूद जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनसभा स्थल की, वर्धमान डिग्री कॉलेज है ये, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है। जन चौपाल इसे नाम दिया है भाजपा ने। उत्साह देखिए आप, महिलाओं में किस तरह का उत्साह है।